नमस्कार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दूसरी सालगिरह के अवसर पे इस कार्यक्रम में उपस्थित देश की लोकप्रिय गृह मंत्री तथा सहकारिता विभाग के मंत्री, हम सभी के नेता जिनके शिक्षा के साथ, मूल्य आधारित शिक्षा के साथ विशेष संपर्क है, इसे हमारे परम आदरणीय अमित शाह जी मंच पर उपस्थित, शिक्षा राज्य मंत्री बहन श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, डॉक्टर सुभाष सरकार जी, आईटी तथा स्किल्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की राज्य मंत्री मेरे मित्र राजीव चंद्रशेखर जी, इस सभागार में उपस्थित तथा टेक्नोलॉजी में देश के विभिन्न स्थान से जुड़े हुए सभी शिक्षा परिवार के आदरणीय मित्रगण, विभिन्न राज्य सरकार की अधिकारी मित्रगण, भारत सरकार के स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल विकास विभाग की सभी अधिकारी मित्रगण, वाइस चांसलर्स, शिक्षा अनुष्ठान के विभिन्न प्रमुख मित्रगण, छात्र छात्री भाई और बहनों, पत्रकार मित्रगण, कोई भी जन्मदिन में, कोई भी सालगिरह में उसकी अपने आप में एक महत्व रहती है। 34 साल के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जुलाई 29 को ही, आज ही के दिन, थोड़ा कल्पना करिए, आज ही के दिन दो साल पहले देश की स्थिति क्या था। देश कोरोना की चपेट में था। क्या होगा, क्या हो रहा है, कब ये रुकेगी, ये सारे दुनिया संचार दुविधा में था। उस समय में भारत, भारत की पूंजी ज्ञान है, भारत की संपदा मानव संपदा है, उस समय में क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में परिवर्तित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ठान लिया था। उसी समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जन्म हुई और मैं इस शिक्षा नीति की दूसरी साल की महोत्सव पे, उत्सव पे मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की निकट में एक भाषण को आपके सामने दोहराना चाहूंगा। कई मित्र यहां उपस्थित है जिन्होंने प्रत्यक्ष उस भाषण को सुना है, स्कूल शिक्षा विभाग के मित्र उसको टेक्नोलॉजी में दिखे होंगे, लेकिन मेरा मोह हो रहा है आज के दिन में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जो जब यहां हम लोग पहुंचे, 3 सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां हुआ। मैं माननीय गृहमंत्री जी के आने के पहले जो छोटी सी एग्जीबिशन लगी है, प्रदर्शनी लगी है, उसमें कुछ समय बिताया, आपने भी उसको देखा होगा, पलटू और मोटू, ऐसे दो चरित्र की आपने वर्णन भी सुना होगा। दो छोटे नन्हे बच्चे राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है उसको वर्णन कर रहे हैं। उससे लेके मंच में जो 3 कार्यक्रम हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे गान, एक नुक्कड़ नाटक, एक स्वागत संगीत वंदना हुई। मित्रों, हम सभी के मन में एक प्रश्न अभी आ रहा है, ये भारत की भविष्य कहना गलत होगा, ये भारत की वर्तमान है, ये भारत की सत्य है, ये भारत की वस्तुस्थिति है। हमें कहा जाता है उस वस्तु स्थिति को, उस वर्तमान को थोड़ा आगे ले जाने के लिए। शिक्षा परिवार की सभी प्रमुख घटक यहां उपस्थित हैं, क्या सच में हम उनको आगे ले जाएंगे, ले जा पाएंगे? क्योंकि कहते हैं कि मनुष्य एक आयु के बाद बदलता नहीं। हम लोग जिस आयु में हैं, हम कितना खुद को बदल पाएंगे, कितना बदलेंगे, और अभी की जो भविष्य है, ये भविष्य
दुनिया को नेतृत्व देने की भविष्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दुनिया की जो हालत है, इस कोरोना ने उसको दर्शाया, दुनिया किस हालत में, भारत के पास उत्तर है, भारत के ज्ञान के पास उत्तर है, भारत के ज्ञान आधारित समाज में इसकी उत्तर है। मित्रों, जब इस शिक्षा नीति की क्रियान्वयन हो रहा है, मैं एक ही शब्द कहूंगा, शिक्षा पिछले कई दशकों से, कई सदियों से, ये तो कहा जाता है, प्रधानमंत्री जी ने उसी विषय को बनारस में कहा, मैं जिस बच्चों को अभी देख के आया हूं, क्या उनको संभालने के लिए आप तैयार हो, मैं भी आपके सामने उसको दोहराता हूं। उन्होंने और एक विषय बनारस में कहा, हमें 1835 में, आज अगर हम 2022 में उसको गिने, 2035 अब से चंद साल बाकी है, उस समय के अंदर आने वाले 12-13 साल के अंदर मैकोले व्यवस्था, जो भारत को पराधीन करने के लिए, भारत को नीचे करने के लिए, भारत की मानसिकता को अख्तियार करने के लिए रचना बनाई गई थी, वो आज भी चल रहा है। उसी की विकल्प में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इसीलिए उन्होंने कहा कि इसको पराधीनता की मानसिकता से बदल के भारतीय मानसिकता को विकास करना। मित्रों, पिछले 200 सालों में हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसे और क्या पेडागोजी ने हमने डेवलप किया, कंटेंट डेवलप किया, यह अपर्याप्त है ऐसे मैं नहीं कहूंगा। आजादी के उपरांत उसमें कई सुधार हुए, कई चीज छूट गए, कई चीज अच्छे हुए, लेकिन उसकी मूल आत्मा के बारे में इस शिक्षा नीति ने उल्लेख किया है, जिसके बारे में बच्चों ने नाटक में उल्लेख किया। हमें क्यों शिक्षा लेनी है, ज्ञान क्यों लेनी है, नौकरी के लिए, डिग्री के लिए, सर्टिफिकेट के लिए, या दुनिया की सपने को पूरा करने के लिए? ऐसा विश्वास हमारी भारतीय समाज में है, इसीलिए हमने कहा हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करने वाले लोग हैं। शिक्षा हमारी पूंजी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 21वीं सदी में भारत को विश्व गुरु बनाने की हम लोगों की सामूहिक संकल्पना आज बनी है। मित्रों, में अंत में एक ही बात कहूंगा, पिछले 2 साल में हम सभी लोग, जब माननीय गृह मंत्री जी, ऐसे कोई सप्ताह नहीं गया होगा पिछले 1 साल में, हमारी नई टीम 1 साल से जुड़ा है, आप लोग पहले से काम कर रहे हो, आप ही की मेहनत से शिक्षा नीति आई है, लेकिन ऐसे कोई सप्ताह नहीं गया जिसमें माननीय गृह मंत्री जी ने हमें नहीं पूछा कि शिक्षा नीति की प्रगति कहां तक हुई, भारतीयता के साथ जुड़ने की व्यवस्था क्या हुई, ऐसा कोई एक सप्ताह नहीं रहा जिन्होंने मेरे को, उन्होंने नहीं पूछा, हमारी टीम को नहीं पूछा। मित्रों, इतना ही पवित्र चीज हमारी पास है, हमारी दायित्व में, लेकिन पिछले 2 साल में हमने, आजकल तो एक प्रशासनिक अधिकारी और विद्वानों के बीच में एक विषय है, पिछले 1 साल में मेरा अनुभव है गृह मंत्री जी, ये काम क्यों नहीं हुआ सर, कोरोना आ गया था, ये काम क्यों हुआ सर, कोरोना में करना पड़ा, दोनों उपाय में कोरोना को हमने बहाना बनाया। मित्रों, भारत में 200 करोड़ टीका लग चुके हैं, हमारे विद्यालय महाविद्यालय खुल चुके हैं, हम लोग अभी प्रधानमंत्री जी ने तो कहा है आने वाले 75 दिन के अंदर तीसरा डोज भी मुफ्त में भारत सरकार लगा देगी, हम लोग उसको एक जन आंदोलन में परिवर्तित करें। समय हमने कुछ गवाया है, देश बड़े आशा की साथ हम सभी से अपेक्षा कर रहा है ये शिक्षा व्यवस्था भारत को सर्वोच्च स्थान पे ले जाने के लिए एक ही मार्ग है, इसी अपेक्षा हमारी पूरा परिवार के ऊपर है। मैं आज के दूसरे जन्मदिन के अवसर पे, जब हम सब उत्सुक से माननीय गृह मंत्री जी को सुनने के लिए, मैं गृह मंत्री जी के सामने, माने सरकार की प्रमुख नेतृत्व के सामने, मैं इतना ही कहता हूं, आपको आश्वस्त करता हूं, हमारी पूरा परिवार शीघ्र ही शीघ्र उसकी, अभी तो पौधा लग चुका है, पानी हमने डाल रहे हैं, आजकल जेनेटिक मॉडिफिकेशन की जमाना है, बायोटेक्नोलॉजी की जमाना है, जल्दी ही फल हम पहुंच जाएंगे, इसी जिम्मेवारी के साथ मैं सबको पुनर्बार शुभेच्छा देता हूं, धन्यवाद, जय भारत।